हेलो स्टूडेंट्स, रेसेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पार्ट 13 वाक्य। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था वाक्य। वाक्य के मैंने बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने भेद होते हैं वो भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, हम लोगों ने कल के एपिसोड में देखा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या होता है विधानवाचक वाक्य, जिसे मैंने कल आपको बताया था कि इसमें जो चीज जैसे होती है उसके बारे में बताते हैं। जैसे सूर्य सदैव पूरब से निकलता है और सूर्य सदैव पश्चिम में अस्त होता है, तो ये विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब उसके आगे का मैं आपको आज के एपिसोड में बता रहा हूँ, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज विधानवाचक वाक्य के बाद नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, ये वाक्य सदैव प्रश्न पूछने के काम में आएगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुमने कौन सी पिक्चर देखी, तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर में कौन आया है, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमेशा प्रश्न पूछने के काम में आता है। नेक्स्ट है बच्चों निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, इन वाक्यों में किसी के ना कोई भी काम न करने या न होने का जानकारी मिलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब होता है कोई काम नहीं करना। जैसे मैंने आज खाना नहीं खाया, पिताजी आज नहीं आने वाले, पिताजी आज आने वाले थे लेकिन नहीं आने वाले, मैं आगरा नहीं जाऊंगा, यानी कि जिसमें किसी भी काम को नहीं करना है या नहीं होने का बोध होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। फोर नंबर पे आता है आज्ञावाचक। आज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी को परमिशन देना, किसी को आर्डर देना या आज्ञा को मानना, इन वाक्यों में किसी को आदेश या निर्देश देने की जानकारी मिलती है। जैसे तुम अपना काम पूरा करो, तुम अपना गृह कार्य पूरा करो, तुम बाजार जाओ और सब्जी ले आओ, ये सब क्या होता है, आज्ञा देना या उसके निशे निर्देश देना। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि अपना गृह कार्य पूरा करो, ये क्या हो गया, आज्ञा देना हो गया, जल्दी सो जाओ ये भी निर्देश देना हो गया, यानी कि किसी को किसी भी चीज में आज्ञा करना, आज्ञा देना या निर्देश देना, ये आज्ञावाचक वाक्य में आता है। नेक्स्ट है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, इन वाक्यों में किसी की इच्छा कामना या आशीर्वाद की जानकारी मिलती है। जैसे सदा सुखी रहो, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारी यात्रा में मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, इससे क्या होता है, किसी को मतलब उसे आशीर्वाद देना या उसकी कामना का पूरा होना, ये इच्छावाचक वाक्य में आता है। सिक्स नंबर पे संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक क्या होता है, जहां शक की गुंजाइश होती है, जिसे जिसमें कंफर्म नहीं होता है कि वो काम होगा या नहीं होगा, मे बी। इन वाक्यों में किसी कार्य के करने होने में संदेह किया जाता है। संदेह मतलब वही जहां पर कंफर्मेशन नहीं है, जहां पर शक की गुंजाइश होती है। जैसे शायद आज कहते हैं ना, शायद आज बारिश आए, वर्षा हो, शायद आज आंधी आए, मौसम देख करके हम लोग क्या बोलते हैं कि शायद आज आंधी आए, तो हम कंफर्म नहीं होते हैं, लेकिन ये चीज पता चलता है कि मे बी हो सकता है। हम आपके पापा काम करने जाते हैं ऑफिस में और बोलते जाते हैं कि हो सकता है मुझे आज लेट हुआ नहीं, शायद मैं आज घर देर से आऊं, शायद मैं आज दिल्ली ना जाऊं,
ये होता है ना, कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो यही होता है संदेह वाचक वाक्य, जिसमें कि किसी काम को करने में संदेह या शक की गुंजाइश होती है, वो संदेह वाचक वाक्य कहलाता है। तो अर्थ के आधार पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट था विधानवाचक वाक्य, सेकेंड था प्रश्नवाचक वाक्य, थर्ड निषेधवाचक वाक्य, फोर्थ आज्ञावाचक वाक्य, फिफ्थ इच्छावाचक वाक्य, सिक्स संदेहवाचक वाक्य। अब आते हैं सेवन, सेवन में क्या है बच्चों, संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में पुरुषार्थ या संकेत होता है, यानी कि इसमें कंडीशन रखी जाती है, ठीक है। जैसे अब आपके स्कूल के चारों तरफ यदि वर्षा होगी तो पानी भर जाएगा, ये आपको पता है कि चारों तरफ पानी भर जाएगा। यदि आपसे कहा जाता है कि यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक शर्त, आपसे एक शर्त रखी जाती है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, तुम अच्छे नंबरों से पास अवश्य होगे। तो ये हो गया सेवन नंबर पे संकेत वाचक। एट नंबर पे है स्टूडेंट्स यहां पर विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। इन वाक्यों में हैरानी, शोक, घृणा, प्रेम आदि भाव प्रकट होते हैं। जैसा कि आप पिछले बहुत सारे चैप्टर में आपने विस्मयादिबोधक के बारे में पढ़ा है, चाहे वो बहुत सारे चैप्टर में मैंने इसको बताया है। तो इसमें क्या क्या होता है, आपके हर्ष, प्रेम, घृणा, नफरत सब कुछ इसमें पता चलता है, उसके अंदर के भाव का बोध होता है। जैसे शाबाश, तुम जीत गए, वाह क्या सुंदर दृश्य है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत से अच्छे अच्छे आपको दृश्य मिलते हैं, तो आप बोलते हैं कि वाह क्या सुंदर दृश्य है। छी छी कितनी बदबू, यहाँ पर आपका मतलब गंदा सा इंप्रेशन आ रहा है आपके सामने, यानी कि इसमें आपकी घृणा दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके अंदर का भाव निकल कर आता है। तो ये हो गया बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड नंबर, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और निश्चित वाक्य। अब सरल वाक्य में बच्चों क्या होता है, इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी कि कर्ता भी एक होता है, करने वाला भी एक होता है और काम जो कर रहा था वो भी कोई एक ही होता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि अमन विद्यालय जाता है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अमन क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया, अमन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और विद्यालय जाता है यानी कि वो विद्यालय भी एक ही, वो कहीं दस जगह नहीं जाता। यानी यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सरल वाक्य में उद्देश्य भी एक होता है, यानी कर्ता भी एक होता है और प्रेडिकेट भी एक होता है। क्लियर, राधा अच्छा नृत्य करती है, यहां पर आप देखिए राधा अच्छा नृत्य करती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी कि उद्देश्य हो गया, और अच्छा नृत्य करती है ये क्या हो गया आपका विधेय हो गया। यानी सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया। सेकेंड नंबर है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इनमें दो वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ा जाता है,
योजक का मतलब क्या होता है? आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, योजक वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, दिन रात, तो ये होता शब्दों के बीच में, यानी कि डैश, दो शब्दों के बीच में योजक शब्द जोड़ते हैं, ये डैश होता है। सुख दुख के बीच में डैश होता है, माता पिता के बीच में डैश होता है, गरीब के बीच में, मोटा पतला, भाई बहन, यानी सबके बीच में ही योजक शब्द होता है, योजक का चिन्ह होता है। लेकिन यहां पर वाक्यों में योजक शब्द को जोड़ा जाता है। तो योजक शब्द क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, और या, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये सब क्या होते हैं? योजक शब्द होते हैं, यानी कि दो वाक्यों को एक में जोड़ते हैं। मैं घर गया था लेकिन लौट नहीं पाया, यहां दो वाक्य हुआ, तो दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है बच्चों? लेकिन। अब यहां पर देखिए, मैंने सेब देखा और डर गया। अब यहां पर देखिए, और मैंने सेब देखा, फर्स्ट सेंटेंस हो गया, पहला वाक्य हो गया, डर गया दूसरा वाक्य, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? और जोड़ रहा है, क्लियर? तुम दिल्ली जाओगे या मुंबई? अब यहां पर पूछा जा रहा है कि तुम दिल्ली जाओगे या मुंबई, यहां पर दो सेंटेंस हो गया, और इसको जोड़ कौन रहा है? कि योजक शब्द जोड़ रहा है, यानी कि या, ठीक है। तुम चाय लोगे या कॉफी, यहां पर दोनों ऑप्शन दिया गया है कि चाय लोगे या कॉफी, तो उसको कौन जोड़ रहा है? या जोड़ रहा है, क्लियर। यानी कि इनमें दो वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, और उन्हें योजक शब्दों से जोड़ा जाता है। योजक शब्द क्या क्या होते हैं? और, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्लियर। थर्ड आते हैं बच्चों निश्चित वाक्य। निश्चित वाक्य में क्या होता है? इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान मतलब मेन, जिसने चोर को पकड़ा वह मेरा मित्र। यहां पर आप देख रहे हैं जिसने चोर को पकड़ा, यह क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया, और वह मेरा मित्र है, ये नहीं कि ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? ये आश्रित उपवाक्य। क्लियर। जब तुम आओगे तब हम घूमने चलेंगे, यानी कि इसमें भी देखिए, जब तक तुम आओगे नहीं हम घूमने नहीं जाएंगे। तो पहला उपवाक्य क्या हो गया? प्रधान हो गया, राइट, और दूसरा क्या हो गया? आश्रित हो गया। इट मीन्स कि प्रधान उपवाक्य पर ही दूसरा वाक्य निर्भर होता है, यानी कि प्रधान उपवाक्य ये हो गया कि जब तक तुम आओगे नहीं हम घूमने नहीं जाएंगे, क्लियर हो गया बच्चों? तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूं, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो करने वाला होता है, और जो काम को करता है वो विधेय कहलाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, और किसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और निश्चित वाक्य। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, इसे आप देखकर अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर इसको बुक से अपने रीडिंग करिए, इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद बच्चों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर से एक बार।